हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज ये एक किचन वीडियो है, तो आप सब समझ गए होंगे कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बिकॉज अभी नाइट हो रही है और मेरी नाइट टाइम ड्रिंक का टाइम हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बनाती हूँ, साथ में आप लोगों को भी बता देती हूँ कि इस ड्रिंक को कैसे बनाना है। अमेजिंग ड्रिंक है, बरसात चल रही है, हल्का सा ठंडा मौसम भी है, तो आपकी बॉडी को इस समय इन्फेक्शन से भी बचाना है, आपकी बॉडी को इस समय सर्दी जुकाम नहीं होने देना है, कफ नहीं जमने देना है। अगर बिकॉज कफ जमेगा तो मोटापा आएगा ही आएगा, चर्बी गलेगी नहीं, वेट लॉस नहीं होगा। और अगर इस ड्रिंक को आपने लिया तो आपका आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन नहीं होगा, कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही साथ बॉडी का जो फैट है बहुत तेज़ी से गलेगा, आप मान नहीं सकते, इसका अमेजिंग रिजल्ट है। और अगर आपने मेरा वो जो देखा होगा कि त्रिफला चूर्ण मॉर्निंग में लीजिए, आंवला पाउडर लीजिए, देन ये ट्री लीजिए, तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोस में आगे मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें आप एक साथ तो नहीं ले सकते। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि सारी चीज़ें हम एक साथ कैसे लें। तो आज मैं आपको कुछ मतलब वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि किस तरह से कॉम्बिनेशन से आपको लेना है। त्रिफला चूर्ण मॉर्निंग में लीजिए, रात में आंवला चूर्ण लीजिए, एंड देन उसके बाद आपको ये टी लेना है। कैसे बनानी है, क्या बनानी है, हर चीज़ घर में अवेलेबल होगी, कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। सबसे प्लस पॉइंट इस टी का ये है, तो फटाफट से बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस टी को बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैन चाहिए और उसमें आप 1.5 कप पानी डालेंगे। आपको उसमें 1.5 कप जो है वो पानी डालना है। देन उसके बाद आपको 4 to 5 इसमें आपको तुलसी की पत्तियां डालनी है, वो डाल दीजिए। 4 मैंने डाली हैं और एक दिन में आपको 4 इनफ है। और इसको आप गैस को धीमे कर दीजिए। आप अपने हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करने चलते हैं। हमें एक एलोवेरा की स्टिक लेनी है, मार्केट वाला ना एलोवेरा जेल लेना है ना जूस लेना है, आपको ये लेना है। और आपको इसका पल्प जो है वो निकालना है। थोड़ा सा है ट्रिकी काम, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टी है ये, तो आप देख लो कि इसे कैसे करना है। बहुत ही इजी है, अगर आपको एक बार पता चल गया निकालना तो आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे। और इतने बड़े इसमें बहुत ज़्यादा पल्प नहीं निकलेगा, तो ये पहले इसके जो एजेस हैं वो कट कर लीजिएगा, वरना हाथों में लगने का डर है। इतने से एलोवेरा जेल में सिर्फ इतना ही पल्प निकला है, तो इसलिए मैं इतना ढेर सारा एलोवेरा जेल नहीं लिया। और इसके बाद आपको इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप एलोवेरा पेड़ से तोड़ें तो उसे थोड़ी देर रख लीजिए, यानी कि उसका जो वैसा पार्ट है जो एक निकलता है ब्राउन ब्राउन सा, वो जब निकल जाए देन उसके बाद उसे वॉश करिए और उसके बाद कट करिए। जब हल्का सा बबल्स आने लगे देन उसके बाद ये एलोवेरा जेल आपको इसमें डालना है और इसे थोड़ी देर पकने देना है। जब इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएँ तब आपको 4 to 5 कुटी हुई काली मिर्च डालना है। और इस टी को ऐसे ही पकने देना है, 1-2 मिनट और पकने दीजिए ताकि जो काली मिर्च मैंने डाली है उसके एक्सट्रैक्ट भी इसमें आ जाए। काली मिर्च डालने के 2-3 मिनट बाद मैंने इसे पकाया है और अब ये टी आपकी रेडी है। तो चलिए इसे स्ट्रेन करते हैं और बताते हैं कि इसे कैसे लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। जो आपकी टी है ये रेडी है, आपको इसे सिर्फ नाइट में लेना है, एक टाइम लेना है, क्योंकि रात में बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। और ये जितने भी एक्सट्रैक्ट इसमें डाले हैं, एलोवेरा जेल, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, आपकी बॉडी को बैक्टीरिया फ्री बनाएगी, इन्फेक्शन नहीं होने देगी,
कब नहीं जमने देगी, जिसकी वजह से मोटापा जो चढ़ रहा है वो नहीं चढ़ेगा, चर्बी बहुत तेज़ी से गलाएगी। और एक बार ज़रूर ट्राई करिए रात में, सिर्फ आपको सुबह त्रिफला चूर्ण लेना है, रात में आंवला चूर्ण लेना है, देन उसके बाद ये टी आपको बिफोर बेड लेनी है। एक बार ट्राई करिए और रिजल्ट जैसे भी हो मेरे इस वीडियो के नीचे ज़रूर करके बताइए। तो फ्रेंड्स देखा टी को बनाना कितना इजी है, हर चीज़ घर में अवेलेबल है, बॉडी इन्फेक्शन से पूरी तरह से बची रहेगी, आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा, फटाफट सा वेट लॉस जाएगा आपका, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है वो भी जाएगा, इवन आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।